Which of the following amino acid has cyclic structure? Glycine, valine, proline, lysine. इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली ऑप्शन, प्रोलाइन। प्रोलाइन का स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है जिसमें ये चार कार्बन एटम साइकिल के अंदर होते हैं, जबकि एक अमाइनो एसिड अमोनिया का मॉलिक्यूल भी साइकिल में होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये साइकिल के बाहर होता है। दूसरी तरफ जो ग्लाइसाइन है, वेलाइन और लाइजाइन, इन तीनों का स्ट्रक्चर जो सा होता है ये लीनियर होता है। प्रोलाइन ही वो अमाइनो एसिड है जिसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर टू, एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैव टू अमाइनो ग्रुप प्लस वन COOH ग्रुप, वन अमाइनो ग्रुप, वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओनली, टू कार्बोक्सिलिक एंड वन अमाइनो ग्रुप। इनमें डेल्टा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन या मकदार क्वांटिटी अमाइनो ग्रुप से ज़्यादा होती है, जबकि बेसिक अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप की क्वांटिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की क्वांटिटी से ज़्यादा होती है। अब सी ऑप्शन में उन्होंने कहा है टू कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली, इससे हम एसिडिक अमाइनो एसिड नहीं कह सकते, क्योंकि अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल में कम अज़ कम एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का होना ज़रूरी है। इसके बगैर किसी कंपाउंड को हम अमाइनो एसिड नहीं कह सकते। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रोंगेस्ट एसिड? फॉर्मिक एसिड, H2O, एसिटिक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। इनमें जो सा करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ऑप्शन, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि एसिड हम उसे कहते हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है और जिसकी प्रोटॉन डोनेट करने की पावर सबसे ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं वो उतना ही स्ट्रोंगेस्ट एसिड है। अब फॉर्मिक एसिड स्ट्रोंगेस्ट क्यों है? क्योंकि दूसरे एसिटिक एसिड हो गया, ब्यूटानोइक एसिड हो गया, उनमें ये फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, इस ओ नेगेटिव के साथ प्लस लगा हुआ है, लेकिन इधर एच पॉजिटिव की जगह CH3 CH2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो फॉर्मिक एसिड है ये एक हाइड्रोजन की बजाय दो हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, इसलिए ये स्ट्रोंगेस्ट एसिड है। दूसरा ये भी कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है 2.1 जबकि कार्बन की होती है 2.5, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से इन दोनों की रिपल्शन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है तो ये इजीली एच पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रोंगेस्ट एसिड है। द टर्म इंटरनल साल्ट रिफर्स टू एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड, डाइपोलर कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड, नॉन पोलर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। इनमें बीटा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो इंटरनल साल्ट है इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डाइपोलर करेक्टर शो करता है अमाइनो एसिड, क्योंकि जब अमाइनो एसिड का डाइपोलर आयन बनता है जिसे हम ज्विटर आयन भी कहते हैं, उसमें एक नेगेटिव पोल होता है दूसरा पॉजिटिव पोल, और इसी साल्ट को हम कहते हैं इंटरनल साल्ट, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है नेगेटिव चार्ज भी। सो जो इंटरनल साल्ट होता है वो डाइपोलर करेक्टर शो करता है अमाइनो एसिड का, एंड बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is not aliphatic carboxylic acid? Phthalic acid, malonic acid, oxalic acid, ethanoic acid. इनमें जो correct option है वो है alpha option, phthalic acid, क्योंकि aliphatic carboxylic acid की linear structure होती है, जबकि phthalic acid में benzene ring होती है जिसके carbon number 1 और 2 पे carboxylic group लगे होते हैं। मेलोनिक एसिड की भी लीनियर स्ट्रक्चर होती है, प्रोपेन डाइओइक एसिड को हम मेलोनिक एसिड कहते हैं, जबकि इथेन डाइओइक एसिड को ऑक्सैलिक एसिड, इस तरह से इथानोइक एसिड की भी लीनियर स्ट्रक्चर होती है, और ये तीनों के तीनों एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करते हैं, जबकि एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक से बिलोंग करने वाला एसिड फिथैलिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अल्काइल नाइट्राइल ऑन बॉइलिंग विद मिनरल एसिड और अल्कालाइज यील्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। This reaction is called dehydration, hydrolysis, polymerization, none of the above. Beta is our correct option. क्योंकि alkyl nitrile को जब हम mineral acid या किसी base की presence में boil करते हैं तो ये carboxylic acid yield करता है।
इस रिएक्शन में ये एक अल्काइल नाइट्राइल का मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और ये एक अल्काइल ग्रुप है। ये वाटर से रिएक्ट करता है किसी एसिड या बेस की प्रेजेंस में और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप देता है जबकि दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल। क्योंकि ये रिएक्शन वाटर की मौजूदगी में वाटर को इस्तेमाल करते हुए होता है इसलिए इस रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अल्काइल नाइट्राइल कैन बी प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड प्लस जिंक सल्फेट, अल्काइल हैलाइड प्लस अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड प्लस पोटाशियम साइनाइड, अल्केन प्लस पोटाशियम साइनाइड। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही एक हिस्सा है जिसमें पहले हम अल्काइल नाइट्राइल प्रोड्यूस करते हैं फिर इस अल्काइल नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड पैदा करते हैं। अब अल्काइल हैलाइड अल्कोहल की प्रेजेंस में केसीएन से रिएक्ट करके अल्काइल नाइट्राइल देते हैं। इस रिएक्शन में ये एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है जो कि एक पोटाशियम साइनाइड से रिएक्ट करता है अल्कोहल की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन में अल्कोहल कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है और ये आर इस साइनाइड से एक्ट करके मिलके एक अल्काइल नाइट्राइल बना देता है जबकि पोटाशियम और हैलाइड आपस में मिलकर एक पोटाशियम हैलाइड बना देते हैं। इस तरह से ये एक अल्काइल नाइट्राइल का मॉलिक्यूल बन गया। अब इस अल्काइल नाइट्राइल की हाइड्रेशन करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पैदा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, ऑल कैन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड देती है जबकि वाटर ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करके अल्केन देता है, अल्कोहल भी अल्केन देती है। कार्बन डाइऑक्साइड अब हम देखते हैं किस तरह से ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन में ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है जिसमें आर पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव जबकि कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो ग्रिग्नार्ड एजेंट में मैग्नीशियम से साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है ये इस पार्शियली पॉजिटिव कार्बन से रिएक्ट करेगा जिसके नतीजे में कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट जाएगा जबकि एक डबल बॉन्ड कायम रहेगा और ये आर सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। और जो एक डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, इसके साथ ही मैग्नीशियम क्योंकि मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी वाटर की प्रेजेंस में। ये जो पहले रिएक्शन हुआ वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हुआ था, अब वाटर की प्रेजेंस में। वाटर का एच पॉजिटिव इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा जबकि वाटर का ओ एच नेगेटिव हाइड्रोक्सल आयन मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा जिसके नतीजे में एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ये वाला, जबकि दूसरा मैग्नीशियम की एक तरफ हैलोजन ग्रुप और दूसरी तरफ हाइड्रोक्सल ग्रुप लग जाएगा। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड पैदा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टू ब्यूटीन अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 टू गिव ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, मेलोनिक एसिड। इनमें चार्ली इथानोइक एसिड करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट को लगता है कि ब्यूटानोइक एसिड क्योंकि ब्यूटीन में चार कार्बन होती हैं तो ब्यूटानोइक एसिड बनेगा, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इथानोइक एसिड। अब हम देखते हैं कि इसका चार्ली ऑप्शन कैसे है। ये एक टू ब्यूटीन का मॉलिक्यूल है जो कि अल्कलाइन KMnO4 के सॉल्यूशन की परिस्थिति में ऑक्सीडेशन होगी। जो टू ब्यूटीन है कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीविज होगी जिसके नतीजे में इस कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान जो डबल बॉन्ड है ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे और चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एटम इस रिएक्शन में यूज होंगे। एक ऑक्सीजन का एटम इधर लग जाएगा डबल बॉन्ड बनाकर जबकि एक ऑक्सीजन का एटम इस हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सल में कन्वर्ट कर देगा। यही हिसाब इस कार्बन से होगा और दो इथानोइक एसिड यानी CH3COOH के मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
The dimer of carboxylic acid form due to which bonding? Hydrogen bonding, Lander dispersion forces, dipole-dipole forces, dipole-induced dipole forces. In which the correct option is alpha option, hydrogen bonding. ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड के डाइमर की स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, जिसमें इस ऑक्सीजन पे जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनाइल कार्बन का ऑक्सीजन है और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोक्सिल के हाइड्रोजन के दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इस तरह से इस कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोक्सिल और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनाइल कार्बन के ऑक्सीजन के दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और इनकी वजह से एक साइक्लिक डाइमर की स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो आम हालात से ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट? प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, ऑल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ब्यूटानोइक एसिड। स्टूडेंट ऑफ्टन कन्फ्यूज होते हैं कि ब्यूटानोइक एसिड में 4 कार्बन है जबकि पेंटानोइक एसिड में 5 कार्बन है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे कार्बन एटम जिनके इवन नंबर हैं, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इनका बॉइलिंग पॉइंट ओड नंबर से लाइक 2 कार्बन, 1 कार्बन, 3 कार्बन, 5 कार्बन से ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं जैसे प्रोपानोइक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -22 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो ब्यूटानोइक एसिड है इसका -6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जो पेंटानोइक एसिड है इसका -6 से कम होकर -36 तक पहुंच जाता है, जबकि पेंटानोइक एसिड का तो प्रोपानोइक एसिड से भी कम है। सो ब्यूटानोइक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। इस तरह से जब पेंटानोइक एसिड के बाद हेक्सानोइक एसिड आएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 7 कार्बन वाले हेप्टेन से ज़्यादा होगा, हेप्टानोइक एसिड से, क्योंकि इवन कार्बन वाले एटम वाले, इवन नंबर वाले कार्बन एटम जो उनसे होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ओड नंबर वाले कार्बन एटम के कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा होता है। इथाइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद अल्काइल नाइट्राइल प्रोड्यूसेस ब्यूटानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, इट डज नॉट रिएक्ट विद। इसमें जो सा करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोपानोइक एसिड, क्योंकि जब भी हम किसी हैलाइड को, किसी इथाइल हैलाइड हो चाहे मिथाइल हैलाइड हो, अल्काइल नाइट्राइल के प्रोसेस से गुजारते हैं तो इसका एक कार्बन नंबर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इथाइल हैलाइड का पहले हम रिएक्शन कराते हैं पोटाशियम साइनाइड से, जिसके नतीजे में पोटाशियम साइनाइड में जो कार्बन होता है इसकी वजह से एथाइल हैलाइड के 2 कार्बन 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इन 3 कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो उसकी नंबरिंग में इजाफा हो जाता है। अब इथाइल हैलाइड को यूज़ करने से इथानोइक एसिड नहीं बल्कि प्रोपानोइक एसिड बनेगा। इसी तरह इधर हम अगर प्रोपाइल हैलाइड यूज़ कर देते तो इधर ब्यूटानोइक एसिड बनता, अगर ब्यूटाइल हैलाइड यूज़ करते तो पेंटानोइक एसिड, क्योंकि KCN की वजह से, क्योंकि पहले हैलाइड का रिएक्शन होता है पोटाशियम साइनाइड से, जिसकी वजह से इसका एक कार्बन नंबर इंक्रीज हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स इवॉल्व डैश गैस अलोंग विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, क्लोरीन। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ऑप्शन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है, जबकि इनका एक साल्ट बनता है और एक वाटर मॉलिक्यूल भी बाय प्रोडक्ट में रिलीज होता है। इस तरह से अगर सोडियम कार्बोनेट होता तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल यूज़ करने पड़ते और इधर 2 साल्ट बनते, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के सेम मॉलिक्यूल पैदा होते। नंबर 14, When a nucleophile attacks on a carboxylic acid, it attacks on carbonyl group, hydroxyl group, alkyl group, halogen group. इनमें अल्फा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करता है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप में एक कार्बन होता है जो कि डबल बॉन्डेड विद होता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन पे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज़्यादा होती है, इस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब न्यूक्लियोफाइल को क्योंकि पॉजिटिव चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल चाहिए,
जी न्यूक्लियोफाइल जब आता है तो ये फिर इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करता है, जिसके नतीजे में इस कार्बन से अटैच जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है OH ग्रुप, वो इससे अलग हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और ये न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये इसके ऊपर आकर अटैक करता है और इससे बॉन्ड बना लेता है। सो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि न्यूक्लियोफाइल किधर अटैक करता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके ऊपर अटैक करता है। क्वेश्चन नंबर 15, अमाइल एसीटेट इज एन ईस्टर यूज एज अ फ्लेवर ऑफ डैश फ्रूट, जैस्मिन, पाइन एप्पल, ऑरेंज, बनाना। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा, क्योंकि अमाइल एसीटेट यूज होता है बनाना के फ्लेवर के लिए, जबकि जैस्मिन के फ्लेवर के लिए बेंजाइल एसीटेट, पाइन एप्पल के फ्लेवर के लिए इथाइल ब्यूटाडेट और ऑरेंज के फ्लेवर के लिए ओक्टाइल एसीटेट यूज होता है, और अमाइल एसीटेट बनाना के फ्लेवर के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फेट यील्ड अल्कोहल, अल्केन, अल्काइन, एल्डिहाइड। इनमें करेक्ट ऑप्शन है बीटा ऑप्शन, अल्केन, क्योंकि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो तब वो पार्शियल रिड्यूस हो जाते हैं अल्कोहल में, लेकिन जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फरस को यूज़ करते हैं तो वो कम्प्लीट ही रिड्यूस हो जाते हैं अल्केन में। इस रिएक्शन में 6 हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, जबकि 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होते हैं, वाटर भी पैदा होता है और एक अल्केन का मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होता है। सो बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम एसिटिक एसिड, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक। इनमें करेक्ट ऑप्शन डेल्टा ऑप्शन है, क्योंकि जब अल्कलाई और अल्कलाई अर्थ मैटर रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिटिक एसिड से, तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। इनमें सोडियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम तीनों ही अल्कलाई और अल्कलाई अर्थ मेटल के मेम्बर हैं, जबकि जिंक ट्रांसिशन मेटल से बिलोंग करता है। ये इनसे रिएक्ट करके, एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं कर सकता। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेचर ऑफ ग्लाइसाइन इज न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, नन। ग्लाइसाइन, एलानाइन, जो पहले दो तीन अमाइनो एसिड है कार्बन नंबर 4 तक, ये सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं। ग्लाइसाइन जिसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड भी कहते हैं, ये भी न्यूट्रल होता है, एलानाइन भी न्यूट्रल होता है। सो अल्फा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज ऑफ ग्लूटामिक एसिड, NH2CH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CH3CH2CH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH2CH NH2COOH। इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 मॉलिक्यूल मिथाइलिन के, इधर CH एक अमाइनो ग्रुप अटैच है CH से और COOH। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि डेल्टा ऑप्शन है ग्लूटामिक एसिड का ट्रू स्ट्रक्चर फार्मूला। ग्लूटामिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं 2, 3, 4। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाल दिए जाएं तो दूसरे कार्बन 4 होते हैं, 3 होते हैं, जबकि जो 2 कार्बन होते हैं सी कार्बन या ग्लूटामिक एसिड का फार्मूला नहीं बल्कि अस्पार्टिक एसिड का फार्मूला है। ग्लूटामिक एसिड के फार्मूले में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइनो, जबकि 3 कार्बोक्सिलिक कार्बन के अलावा मजीद कार्बन होते हैं जिनके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में कोई खास कंसेप्ट नहीं, बल्कि ये याद करनी पड़ती है और अच्छी तरह से देखनी पड़ती है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि ग्लूटामिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को निकाल कर बकाया कार्बन एटम कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द स्ट्रैकर सेंसेस इज यूज फॉर द सेंसेस ऑफ डैश अमाइनो एसिड, अल्फा, पीटा, गैमा, ऑल कैन बी प्रिपेयर बाय इट। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा, क्योंकि स्ट्रैकर सेंसेस से सिर्फ हम अल्फा अमाइनो एसिड ही पैदा कर सकते हैं, बीटा और गैमा अमाइनो एसिड पैदा नहीं कर सकते। स्ट्रैकर सेंसेस में एल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड और अमोनिया, ये 3 रिएक्टेंट होते हैं जो आपस में मिलकर एक अल्फा अमाइनो नाइट्राइल पैदा करते हैं।
अल्फा नाइट्राइल के बनने के बाद इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है मिनरल एसिड और वाटर को यूज़ करते हुए, जिसके नतीजे में एक अल्फा अमाइनो एसिड बन जाता है, जिसमें इधर कार्बोक्सिलिक, इधर अमाइनो और इधर CH और अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। इस तरह से स्ट्रैकर सेंथेसिस के जरिए हम अल्फा अमाइनो एसिड पैदा कर सकते हैं। स्ट्रैकर सेंथेसिस का शॉर्ट क्वेश्चन आता है और MCQ के तौर पर भी ये आ सकता है कि हम अल्फा अमाइनो एसिड पैदा कर सकते हैं। मोस्टली इस तरह के MCQ MDCAT ECAT के टेस्ट में भी आते हैं। इधर NH3 नहीं बल्कि गलती हो गई तो NH2 आना चाहिए था। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द मोर वीडियोज अबाउट FSC MDCAT ECAT लेक्चर्स।